तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों 15 दलों के साथ बैठक की। प्रयास किया जा रहा है कि गठबंधन में रहकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाता है तो उस परिस्थिति में तृणमूल कांग्रेस झारखंड के सभी विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी देंगे। ये बातें टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर बैठा ने धनबाद में आयोजित एक मिलन समारोह में कही। इससे पूर्व धनबाद के एक निजी होटल में आयोजित मिलन समारोह में निरसा विधानसभा क्षेत्र के टाइगर फोर्स से निकलकर बंपी चक्रवर्ती समेत 115 लोगों ने टीएमसी का दामन थामा। टीएमसी का दामन सामने वाले सभी कार्यकर्ताओं का प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। सबसे पहले पार्टी का तृणमूल कांग्रेस की जहां तक आप बात पूछ रहे हैं, आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता पूरे झारखंड प्रदेश में विकल्प के रूप में आज तृणमूल कांग्रेस जो हमारी जो पार्टी है ममता दीदी जो है आज उन्हीं को नेतृत्व मानने के लिए पूरे झारखंड प्रदेश की जनता जो है आज तैयार हो रही है। रहा सवाल लोकसभा धनबाद का, तो हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पार्टी में आज शामिल किया है जो आपने अभी सुने होंगे। निरसा विधानसभा क्षेत्र से मम्पी चक्रवर्ती जी का नाम, वो व्यक्ति हैं जो पूरे जो औद्योगिक नगर क्षेत्र के बिरसा निरसा विधानसभा जाना जाता है, जहां मजदूरों की शोषण जुल्म अत्याचार होता है, उनके खिलाफ जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो आह्वान किया हमने, महिला मोर्चा का आज जो प्रदेश जिला अध्यक्ष के रूप में जो आज मनोनीत किया है नीलू बावरी को, हमने युवा यहाँ का छात्र जब युवाओं को प्रतिनिधित्व के लिए मैंने बिंटू का का नाम जो कर किया है, तो ये सारे चीज़ जो है आज कई लोग सैकड़ों लोग आज तृणमूल कांग्रेस की दामन थामे हैं, इनके झंडा कर तरह आए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि झारखंड खास करके धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें और ये जिसमें जो 6 विधानसभा क्षेत्र है जैसा की बात करें तो वो लाल झंडे के अंडर में आता है कई दफर से लंबे समय से वो था, साथ में धनबाद लगभग भगवा में है, तो ऐसे में जगह बनाने में जमीनी स्तर पर कितनी परेशानी होगी? मैंने 28 साल तक लाल झंडा टांगा और मैं उस समय झंडा टांगा है जब बैठने का बोलने का खाने का चलने का अधिकार नहीं, हर तरफ ताही माम था, हर तरफ माँ बहन की असीमता इज्जत आबरू लूटा जा रहा था। मैं उस समय लाल झंडा का प्रतिनिधित्व किया है और उनके झंडे के तले मैं यहाँ का महसूस शोषण विहीन समाज को जगाया है। रहा सवाल लाल झंडा का नहीं, आज लाल झंडा पर मुझे अभी कोई सवाल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जहाँ जुल्म होता है वहीं पुकार होता है, वहाँ का माननीय विधायक माननीय वहाँ का सांसद यहाँ का जो मजदूरों पर जो जुल्म हो रहा है वो कोई छिपा हुआ नहीं है, चाहे वो फैक्ट्री की मजदूर हो चाहे खेत का मजदूर हो चाहे रहने वाले हैं यहाँ के स्थानीय लोग, तो आज मैं पूरे तौर पर उनके साथ हम आपसे तृणमूल कांग्रेस जो है हम तो चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश में गठबंधन हो, क्योंकि बीजेपी की सत्ता से दूर भगाना है दूर हटाना है, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो चाहे वो राज्य की सत्ता हो, अभी राज्य की सत्ता वर्तमान में राज्य का जो सत्ता के करीब आ गया है और ये चुनाव होने वाला है, तो तृणमूल कांग्रेस चाहता है कि झारखंड में एक मजबूत गठबंधन एक गठबंधन हो जो बीजेपी को हम सत्ता से दूर कर सकें। अभी तैयारी की सवाल अभी हमने कुछ 13 पार्टी को लेकर के हमने आज के 5 दिन पहले हमने पीछे हमने बैठक किया था और फिर हम 30 तारीख को हम कुछ लोगों को लेकर के बैठने हम लोग जा रहे हैं। हम यही संदेश देंगे कि मजबूती से एक गठबंधन हो और अगर गठबंधन संजोग बस नहीं होता है तो मैं झारखंड प्रदेश का बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए मैं पूरे 81 विधानसभा पर चुनाव लड़ूंगा।